आज हम बनाने जा रहे हैं बटर पनीर। उसके लिए मैंने प्याज लिए है, इसको मैंने कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, थोड़े से मैंने काजू लिए है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो हरी इलायची है, दो लौंग है और कुछ मैंने टमाटर लिए हैं। तो अभी रेसिपी चालू करते हैं। सबसे पहले मैं ये दालचीनी, लौंग, इलायची ये तेल में डाल देती हूँ। उसके बाद में हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं। और अभी साथ में हम लहसुन डाल देते हैं। काजू थोड़ी देर के बाद डालेंगे क्योंकि नहीं तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, फिर उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। प्याज हमारे आधे पक चुके हैं, इसी टाइम अभी इसमें हम काजू डाल देंगे। प्याज को थोड़ा और पकाएंगे अभी। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। जब तक हमारे प्याज ठंडे हो रहे हैं तब तक हमने टमाटर को काट लिया है, तब तक मैं इसको पीस लेती हूँ। पनीर को मैंने घर पे ही बनाया था, अभी इसके मैंने पीस काट लिए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तवे में अभी हम बटर डाल देते हैं, ये अमूल बटर है। इसको अच्छे से फैला देते हैं। उसके बाद में जो मैंने ये कश्मीरी मिर्ची और हल्दी लगा के रखा था, अभी इसको तवे पे डाल देते हैं। अच्छे से फ्राई हो जाएगा अभी, इससे बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पनीर में। इसको अच्छे से सेक लेते हैं दोनों साइड से। देखिए पनीर हमारा अच्छे से पक चुका है दोनों साइड से अच्छे से। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। हम वापस वही कढ़ाई में अभी बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया है और बाकी अभी मैं इसमें थोड़ा तेल रहने दिया है, थोड़ा मैं अमूल बटर डालूंगी और इसी टाइम मैं इसमें एक लौंग और एक इलायची और थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी, थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में और अभी ये मैंने जो टमाटर पीस के रखा था वो डाल देंगे।
इसको अच्छे से भून लेते हैं। जो प्याज काजू हमने लहसुन को भून के रखा था वो मैंने अभी मिक्सर जार में डाल दिया है पीसने के लिए, और इसके साथ में हम कुछ पनीर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा ग्रेवी का टेस्ट आता है। तो ये भी हम साथ में ही पीस लेते हैं। इसके बटर पनीर के लिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये तीखा मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इधर हमारे टमाटर भी अभी पक रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और काली मिरी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर हमारे टमाटर भी अभी लाल हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अभी ये मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी जो हमने मसाला पीस के रखा है प्याज काजू लहसुन वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मिक्सर जार में बाकी बचा था उसमें मैंने पानी घुमा दिया है थोड़ा, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर पनीर में। थोड़ा सा हम मलाई डालेंगे, ये घर का मलाई है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और जितना हमारे को ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर जो पनीर बटर में फ्राई करके रखा था वो डाल देते हैं, शैलो फ्राई किया था। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पक गया है, पनीर भी अच्छे से फूल गया है इसके अंदर। आपको जितनी ग्रेवी थिक रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अभी हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। अभी हमारा बटर पनीर बनके रेडी हो गया है, अभी खाने के लिए परोसते हैं।
हमारा बटर पनीर बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही टेस्टी है। आप पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ अपना आपका मन चाहे आप खा सकते हो। और इसमें बहुत ही कम मसाले मैंने डाले हैं, और ये एकदम जो भी डाला है मैंने घर का ही मसाला डाला है। तो आप मेरे स्टाइल से आप बनाइए और खाइए और मुझे बताना कैसा बना है।